नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। ये हम ब्रोकेट वाला बनाएंगे और इसके साथ हम ये अस्तर यूज करेंगे और हम ये 3 पीस में बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले ड्राफ्टिंग करनी होगी, तो हम पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। हमने पेपर लिया है, पेपर हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखा है। लेंथ हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया है, 16 इंच हमने ये लेंथ रखी है। और इसका जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने ब्लाउज का फोर्थ भाग रखा है। हमारा ब्लाउज की जो चौड़ाई है यानी कि हमारी ब्रेस्ट है वो है 44, तो 44 का हमने फोर्थ भाग रखा है 11 इंच। अब पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तरह हमने अपनी ड्राफ्टिंग पर निशान लगा लिया है। शोल्डर हमने 13 इंच रखे हैं, तो 13 इंच का यहाँ पर हाफ लिया है। यहाँ पर 13 इंच का हाफ और 1/2 इंच प्लस यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट का फोर्थ भाग रखा है और यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग रखा है। जो हमने ये डार्ट रखी है ऊपर से 9.5 इंच पर ली है और साइड से 4.5 इंच पर रखी है। और यहाँ पर हमने नीचे एक निशान लगाया है वी शेप में, ये 3.5 इंच पर लगाया है और 1/2 1/2 इंच हमने यहाँ से लिया है। पहले हम बैक का पीस कट करेंगे, उसके बाद ये फ्रंट की कटिंग करेंगे। नेक हमने 3.5 इंच पर रखा है, लंबाई में 6 इंच पर रखा है। और ये जो दो निशान लगाए हैं ये 1 इंच पर लगाया है, और ये जो ऊपर 1/2 इंच और ऊपर लिया है यानी कि 1.5 इंच पर लगाया है। जो 1.5 इंच वाला है ये बैक का है, और जो ये 1 इंच पर है ये फ्रंट का है। पहले इसकी कटिंग करेंगे और बैक पीस निकाल लेंगे। ये हमने अस्तर लिया है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और ये वाली ड्राफ्टिंग सेट कर लेंगे। इस तरह हमने ड्राफ्टिंग सेट कर ली है और यहाँ पर हमने निशान लगाया है। ऊपर भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, आर्म होल पर भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और जो साइड की सिलाई है उसके लिए हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। क्योंकि ब्लाउज में हम जब प्लेट वगैरह डालते हैं तो हमारा ब्लाउज में फिर फैब्रिक कम रह जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 1/2 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह हमने अपना ये बैक पीस निकाल लिया है और ये डार्ट का निशान भी लगा लिया है। यहाँ पर हमने 1/2 1/2 इंच पर निशान लगाया है। इसको साइड में रखेंगे, पेपर की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करनी है, पहले आर्म होल की करेंगे हम। जहाँ पर हमने ये 9.5 इंच पर निशान लगाया था डार्ट का, वहाँ पे कट लगा लेंगे। से में पता रहेगा कि हमारी डार्ट कहाँ तक थी। यहाँ ऊपर भी हमने एक निशान लगा लिया है, ये हमने 2.5 इंच पर लगाया है। यहाँ पर भी हल्की हल्की सी कटिंग कर देंगे। ये जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कटिंग दी है, इससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको भी दोनों ड्राफ्टिंग को फैब्रिक पर सेट करेंगे। इस तरह हमने ड्राफ्टिंग को सेट किया है डबल फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिए हैं। जो इसका नेक का पोर्शन है आगे की साइड, हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि आगे की साइड हमारी हुक और आई की पट्टी आएंगी, इसलिए। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ऊपर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह हमने ये लिया है, ये हमारा फिटिंग वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, नीचे 1/2, ऊपर 1/2, गोलाई में 1/2। अब हम इसकी दोनों की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह आएगा और ये भी हम 2 पीस कर लेंगे कटिंग करने। ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हम सारी कटिंग को अपने इस वाले फैब्रिक पर सेट करेंगे, ब्रोकेट वाले फैब्रिक पर। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो सीधा आए। इस तरह हमने डबल फैब्रिक किया और अस्तर वाली कटिंग यहाँ पर सेट कर दी है। ये बैक है और ये नीचे वाला हमारा फ्रंट है।
अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह हमने अपने ये सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब जो हमारा ये अस्तर है, इसको या तो हम कच्चा कर लेंगे या फिर इसको पिनअप कर लेंगे। इस तरह हमने सभी पीस पर सिलाई लगा ली है। हमने केवल दो सिलाई लगाई है, एक लंबी और एक चौड़ाई में, और इससे हमारा पूरा अस्तर सेट हो गया है। ये सबसे आसान तरीका है अस्तर को सेट करने का। अब ये अस्तर हमारा कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह हमने अपने सब पीस में दो दो सिलाई लगाई है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये पूरा अस्तर हमारा सेट हो गया है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। ये हमने बैक का नेक कट किया है, ऊपर से हमने 3.25 इंच पर रखा है और यहाँ से 8 इंच पर रखा है। यहाँ से हमने थोड़ा सा ये चौड़ाई ज्यादा रखी है, तो ये हमारा बहुत ही प्यारी शेप में आ गया है। ये हमारा फ्रंट का नेक है, हमने इसको नॉर्मली रखा है, यहाँ से 6 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। अब हम ये फ्रंट पोर्शन तैयार कर लेंगे। जो ये हमारा साइड के पोर्शन है, ये यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे दोनों साइड। पहले हम अपना एक पीस तैयार करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ से इसको इस तरह रखेंगे, और जहाँ तक हमारा ये हमने कट लिया था, यानी कि जो हमने ऊपर से 9.5 इंच पर निशान लिया था, वहाँ तक हम इसको नॉर्मल ज्वाइंट करेंगे, कोई खींचेंगे नहीं इसको, और ये ज्वाइंट से यहाँ पर निशान से निशान मिला देंगे। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला फैब्रिक कम हो गया है, तो उसको हम थोड़ा खींच के करेंगे, तो इससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। इस तरह हमने अपना ये एक पीस ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरह हम अपना दूसरा पीस ज्वाइंट करेंगे। इस तरह हमने ये दूसरे पीस में भी सिलाई लगा ली है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना भूल गई हूँ कि जब हम इसमें सिलाई लगा रहे होंगे, तो हमें ये वाला पीस ऊपर रखना है, जो छोटा पीस है हमारा इसको ऊपर रखना है, और जो बड़ा पीस है उसको नीचे रखना है, और उसके बाद हम इसमें मशीन में लगा कर इसको तब सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो नीचे वाला पीस है इसको हमें खींचना नहीं है, और जो ऊपर वाला पीस है वो हमें खींच के लगाना है, इसलिए हम पहले ऊपर इस वाले पीस को रखेंगे, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, एक साइड ये आई वाली लगाएंगे, एक साइड हुक वाली लगाएंगे, तो ये वाली पट्टी को हमने एक साइड से फोल्ड कर लिया है और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह हमने हुक और आई की पट्टी यहाँ पर सेट कर ली है। अब हम बैक पोर्शन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो हमने नीचे प्लेट का निशान लगाया है, डार्ट का, वो तैयार करेंगे। साइड के नेक में हमने लगाने के लिए फ्रिल तैयार की है, नेट की हमने ये नेट ली है, और नेट की हमने ये फ्रिल तैयार कर ली है, सिलाई लगाकर इसमें गैदर डाल ली है, और नीचे की साइड हमने ये गोल्डन धागे से इसको पिको कर किया है। अब हम ये इसके नेक पर सेट कर देंगे। इस तरह हमने नेक पर ये फ्रिल सेट की है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह हमने ये शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम 22 गिरन की पट्टी लेंगे और नेक पर सेट करेंगे।
ये हमने 22 गेंद की पट्टी कट की है, इसको हम डबल करेंगे, इस तरह डबल करेंगे और नेक पर बिना खींचे इसको लगा देंगे। तरह हमने 22 ग्रेन की पट्टी यहाँ पर सेट कर ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह नेक की हमने पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह निशान लगाया है कि हमारा जो चेस्ट है 44 है, 44 का हमने फोर्थ भाग लगाया है 11 इंच, और यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग लगाया है 8.5 इंच। इसी तरह हमने दूसरे पीस में लगाया है, लेकिन जो पट्टी हमारी बढ़वा लगी हुई है जिस साइड, उस साइड हमने बढ़वा पट्टी के बाद हमने ये मेजरमेंट लिया है इसको छोड़कर। अब इसी तरह बैक में लगाएंगे, बैक को भी डबल फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से अपनी चेस्ट का लेंगे 11 इंच, और नीचे वेस्ट कर लेंगे 8.5 इंच, और इसको हम मिला देंगे। और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह हमने जो दो लाइन बनाई थी फ्रंट और बैक में, हमने उसको ही मिलाया है क्योंकि हमारी यही फिटिंग सही है। चाहे यहाँ पर हमारा फैब्रिक ज़्यादा आए या कम आए, फ्रंट बैक में अलग अलग आए, लेकिन हमें जो हमने लाइन बनाई है अच्छी फिटिंग के लिए, वही इसको मैच करके ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हमने एक कट दिया है, यहाँ पर इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये हम एक साइड लगा चुके हैं, ये देखिए इसे और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसको हम लेंगे, पतली सी ली है हमने, और यहाँ पे जो भी गोलाई है इसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह हमने ये गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर सेट कर ली है और इससे ब्लाउज का लुक और भी प्यारा आया है। अब हम इसमें नीचे की पट्टी सेट करेंगे। ये हमने पट्टी तैयार की है 1.5 इंच की, और एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड इसको सेट कर देंगे। इस तरह ये पट्टी सेट कर ली है। अब हम इसको इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करेंगे जो बाहर हमने एक्स्ट्रा लिया है, और इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने इसके नीचे से फोल्ड कर लिया है। इस तरह पट्टी लगाने से हमारी अच्छी फिटिंग आती है और हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है, और इसका नेक भी बहुत सुंदर लग रहा है बैक साइड का। और एक चीज़ और हम बताना आपको चाहते हैं कि जैसे हमने ये यहाँ पर ये दो पीस कट किए हैं, दो इस साइड दो इस साइड, तो आप इसमें अगर कलर मिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पीस है ये आप किसी और कलर का लगा सकते हैं,
या ये बीच के दोनों अलग कलर के लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट पोर्शन में। जैसे हमारा ये गोल्डन और ग्रीन है, तो अगर हम इसमें दूसरा कलर मिक्स करते तो या तो हम गोल्डन या फिर हम ग्रीन, तो ये या तो हम ये चीज़ गोल्डन बनाते या ग्रीन या फिर ये चीज़ गोल्डन या ग्रीन, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। इस तरह हमने अपना ये ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है ब्लाउज़। अब हम आपको इसका बैक नेक भी दिखाएंगे। इस ब्लाउज में हम इस तरह डोरी भी लगा सकते हैं और लटकन भी लगा सकते हैं, तो इससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आएगा। ये जो लटकन है हमने आपको पहले अपनी वीडियो में बनानी सिखाई हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।